हेलो, अब हम लोग देखेंगे अकाउंटेंसी में चैप्टर वाइज आई कैन से टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, स्पेशली विथ ऑब्जेक्टिव्स एंड विथ टोटल मार्क्स. मतलब ऑब्जेक्टिव्स का भी अलग से उन्होंने मार्किंग बताया है. और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उनकी पेपर पैटर्न कैसे, पर पहले ये देख लें कि चैप्टर वाइज क्या है. सबसे ज़्यादा वेटेज वाला फाइनल अकाउंट से दैट इज़ फॉर 17 मार्क्स, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स. इन शॉर्ट आई कैन से 15 मार्क्स का एक सम आता है फाइनल अकाउंट का, 15 मार्क्स का सम जिसमें से 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव है. फिर नेक्स्ट है सिंगल एंट्री. सिंगल एंट्री में और है, सी स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ और है मैंने और करके दूसरा टॉपिक भी लिखा है, मतलब दूसरे चैप्टर का नाम लिखा है. बट जहाँ पे और नहीं है मतलब वो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना है. जैसे कि सिंगल एंट्री की और में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज चैप्टर 12. इनके शॉर्ट नोट्स आते हैं, मोस्टली शॉर्ट नोट ही आते हैं, एनी 2 शॉर्ट नोट लिखने का वैसा. मतलब 8 चैप्टर 8 दैट इज सिंगल एंट्री और चैप्टर 12, इन दोनों में से आपको एक ही पढ़ना है. बिकॉज एक तो वैसे भी ऑप्शन में जाने वाला है, दैट इज फॉर 10 मार्क्स 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स. मतलब 8 मार्क्स आई कैन 8 मार्क्स सिंगल एंट्री के लिए और 8 मार्क्स 2 आंसर्स के लिए आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और 2 मार्क्स अलग से ऑब्जेक्टिव्स के लिए आएगा. फिर सेकेंड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई ऑप्शन नहीं, कंपल्सरीली अटेम्प्ट करना है, दैट इज कि आपको कंपल्सरी पढ़ना भी है. चैप्टर 9 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे 16 मार्क्स का टोटल है. 1 मार्क्स इज ऑब्जेक्टिव एंड 5 मार्क्स. अभी स्टूडेंट्स ये 1+5 के, 1+5 मतलब 5 मार्क्स का आपको बिल ड्रॉ करने को आएगा, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव. और 1 मार्क अलग से कहीं पे भी फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में, या तो फिर फिलअप्स में, या तो मैचअप्स में, वन वर्ड में चला जाएगा. ठीक है, कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना है. और ये बिल ड्रॉइंग दैट इज 5+1. एनपीओ चैप्टर 7, 13 मार्क्स टोटल, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव, मीन्स 12 मार्क्स का सम है, अगेन विदाउट ऑप्शन. फिर एडमिशन, ये स्लैश मैंने ऑब्लिक इसलिए मारा है बिकॉज ऑप्शंस है, कोई भी 2 आपको दिए गए होंगे उसमें से कोई भी एक करना है. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में से कुछ भी 2 दिया होगा. जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट दिया होगा, लिखा भी होगा कि सॉल्व एनी 1. तो चैप्टर 3, 4, 5 में से 12 मार्क्स का टोटल, मतलब 10 मार्क का सम आएगा और 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे. लास्ट है डिसॉल्यूशन और कंपनी अकाउंट. और सिर्फ अब तक 2 ही जगह पे आया, दैट इज सिंगल एंट्री में और डिसॉल्यूशन में. दैट मीन्स बाकी चैप्टर्स आपको कंपलसरीली पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करने और सॉल्व करने हैं. डिसॉल्यूशन और कंपनी अकाउंट चैप्टर 6 दैट इज डिसॉल्यूशन. कंपनी अकाउंट के 2 एक शेयर्स वाला, एक डिबेंचर्स वाला, दैट इज चैप्टर 10 और 11. आइदर यू डू डिसॉल्यूशन या फिर ये दोनों चैप्टर्स स्टडी करो, जो कि है 12 मार्क्स ईच और 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव. मतलब 10 मार्क का सम आएगा और 10 मार्क का इसका भी सम. मैंने क्या बोला था, इसमें शॉर्ट नोट्स है, इसमें शॉर्ट नोट नहीं, इसमें सम करने हैं. सिर्फ शॉर्ट नोट का एक ही चैप्टर है, दैट इज एनालिटिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये वेटेज था टोटल 18 मार्क्स का, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स का भी अलग से आपको दिया गया है और सम का भी अलग से दिया गया है. स्टडी वेल ऑप्शंस में, जो जो ऑप्शंस में है सिर्फ वही पढ़ो, जो ऑप्शंस में नहीं है वो कंपलसरीली पढ़ो. नेक्स्ट अभी मैं पेपर पैटर्न बता रही हूँ. सी, जैसे कि हम लोग ने चैप्टर वाइज दैट इज टॉपिक वाइज वेटेड डिस्कस किया, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न. पेपर पैटर्न में टोटल 7 सब क्वेश्चंस है, जहाँ पे आपको फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स दैट इज अटेम्प्ट एनी 3 out of 5. 5 ऑप्शंस दिए गए होंगे, जैसे कि है 1 sentence 1 word, MCQ, ट्रू ऑफ फॉल्स ऑफ बिल. पता है मैंने अभी बिल में बोला था 1+5, तो मतलब ये हुए 5 मार्क्स ईच, है ना, एनी 3 मतलब 5 मार्क्स ईच. तो आई वुड सजेस्ट यू स्टूडेंट्स कि आप 1 sentence और 1 word मत अटेम्प्ट करने जाओ, स्पेशली नॉट 1 sentence, बिकॉज आपको ना किसी का डिफाइन अच्छे से आएगा ना, और उसके लिए स्पेशली यू हैव टू समराइज सम सेंटेंसेस. तो आई वुड से नो फॉर दिस. और इन 3 में से एनी 2 यू कैन अटेम्प्ट, आइदर अटेम्प्ट 1 word और MCQ और ट्रू ऑफ ऑल्स 1 word. आप क्वेश्चन देख लो, जो आपको ज़्यादा ईजी लगे वो अटेम्प्ट करो. MCQ तो अटेम्प्ट करना ही, बिकॉज ऑप्शन आएंगे 4 हर सेंटेंस के बाद, उसमें से आपको टिक करना है, विच इज़ मोर ईजी. एंड देन आई विल कंपलसरी से यू टू अटेम्प्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और 5 मार्क्स का बिल ड्रॉ करने को बोलेंगे, कंपलसरी अटेम्प्ट दैट. और फिर ट्रू ऑफ ऑल्स और 1 word में से दैट इज योर चॉइस, विच एवर यू फील ईजी यू कैन गो फॉर इट. मतलब 15 मार्क्स का हो गया हम लोग का टारगेट कंप्लीट. फिर नेक्स्ट सिंगल एंट्री और शॉर्ट नोट्स ऑन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. 2 शॉर्ट नोट आएंगे 4 मार्क्स ईच, और आपको एक सम सॉल्व करना है सिंगल एंट्री का. अगेन आई वुड प्रीफर कि आप सिंगल एंट्री ही चूज करो, सिर्फ 8 मार्क का सम है और लिमिटेड ही वैरायटी है, ज़्यादा वैरायटी नहीं है. शॉर्ट नोट्स के लिए आपको पूरा एक चैप्टर अच्छे से समराइज करना पड़ेगा, उनके रेशियोज अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे. इफ़ यू फील दैट इज़ गुड यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. मैं कंपलसरीली नहीं बोल रही हूँ कि आपको कोई एक चैप्टर छोड़ना है, इट इज़ ऑन योर विल, योर विश. एंड इनफैक्ट आई वुड से कि अगर आप सब पढ़ रहे हो तो दैट इज़ मोर ईजी टू गेनिंग योर नॉलेज, बिकॉज ये तो सब प्रैक्टिकली पेपर वर्क है, बट आपका नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है. तो चूज एनीथिंग यू विश. 8 मार्क्स अगेन इन योर पॉकेट,
फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट एनी टू. अब मैंने क्या बोला था, तीन चैप्टर है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ. इन तीनों में से कोई भी एक, कोई भी दो आएगा और एक लिखना है. इट कैन बी आइदर एडमिशन और डेथ, रिटायरमेंट और डेथ, एडमिशन और रिटायरमेंट. तो आई वुड प्रिफर यू स्टूडेंट्स, आपको कोई भी दो चैप्टर अच्छे से करना है, जो आपको ईजी लगे. अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से देखो, सब वेराइटी सॉल्व करो. दैट मीन्स मेरे बोलने का एक्चुअल मतलब है कि कोई भी दो चैप्टर थरली पढ़ो, उसके उसका कितना भी हार्ड समय आप अच्छे से क्रैक कर पाओ वैसा. तो इसमें से आप कुछ भी एक चूज कर सकते हो, जो भी आपको आया. अगेन 10 marks इन योर पॉकेट. फिर आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट ऑप्शन फॉर 10 marks. मतलब आपको कंपल्सरीली बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना ही पड़ेगा, उसके ऑप्शन में कोई चैप्टर है ही नहीं. फॉर 10 marks इट कैन बी जर्नल और लेजर. जर्नल लेजर या जर्नल प्लस लेजर आ सकता है. फिर सेकेंड है डिसॉल्यूशन के ऑप्शन में कंपनी अकाउंट. ये एक चैप्टर है, इसमें दो चैप्टर आपको पढ़ने हैं. डिसॉल्यूशन एक ही चैप्टर है, तो यू कुड गो फॉर डिसॉल्यूशन और एल स्टडी दिस बोथ चैप्टर्स. मोस्टली पीपल प्रिफर कि दो की जगह पे एक पढ़ना पड़े, तो वो ज्यादा ईजी है. 10 marks और डिसॉल्यूशन में जर्नल भी आ सकता है या फिर लेजर आएगा, कोई भी एक आ सकता है. कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ लेजर ही आएगा और जर्नल आएगा. एज वेल एज इन एडमिशन जर्नल या लेजर कुछ भी आ सकता है, नथिंग इज कंपलसरी. खाली सिंगल एंट्री में लेजर सिस्टम है, बट दैट ऑल्सो इट इज नॉट डबल साइडेड, इट इज ओनली सिंगल साइडेड. फिर आता है NPO, सिर्फ लेजर, नो जर्नल, अगेन विदाउट ऑप्शन, यू हैव टू स्टडी फुल. एंड देन फाइनल अकाउंट, दैट इज प्योरली लेजर एंड फॉर 15 marks. इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है एंड ईजी भी है. जो आपने 11th standard में थोड़ा बहुत सीखा है वो सिंगल पार्टनर का था, ये डबल पार्टनर का है. प्लीज डू नॉट स्किप दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये था मेरा पेपर पैटर्न, जहाँ पे आप क्या स्किप कर सकते हो, क्या कंपल्सरी लिखना है, वो मैंने बताया है. नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली मैं ये बताऊंगी कि कैसे आपको आवर्स अलॉट करने के. 3 घंटे का आपका पेपर है, 3 घंटे का आपका पेपर है, तो आप कैसे कौन से सम को कितना टाइम दोगे वो अलॉटमेंट सिखाऊंगी, एज वेल एज क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए इन अकाउंट्स, वो भी बताऊंगी. इफ यू लाइक माई वीडियो एंड वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो वट एवर डाउट्स यू हैव या वट एवर यू लाइक फ्रॉम द चैप्टर. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय.